फिरोजपुर के थाना कैंट की पुलिस ने गश्त के दौरान एक शक्की पुरुष को काबू करके उसके कब्जे से एक 32 बो की विदेशी पिस्तौल बरामद की है तथा उसके खिलाफ कैंट थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए थाना कैंट के सहायक इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह ने बताया कि पुलिस ने गश्त के दौरान फिरोजपुर छावनी के शमशान घाट रोड पर जब शक के आधार पर एक शख्स को रोका और उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 32 बोर की देसी पिस्तौल राजस्थान मेड बरामद हुई, जिसने अपना नाम सुखदेव कुमार और रवि बताया और अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि उसने ये हथियार किस मकसद से रखा था तथा वह हथियार कहां से लेकर आया था। ये है सुखदेव कुमार रवि पुत्र गोविंद राम वासी ब्रह्म नगरी ये बैक साइड रेलवे ग्राउंड रहने वाला है। ये 38 बोर का रिवॉल्वर बरामद होया है शमशान घाट रोड तो फड़िया इन आबाद जगह पई है डेयरी फार्म की आबाद जंगल उधर घूम रहा है। अज पेश अदालत करके रिमांड लें जो भी पीछ आएगा सामने उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जागती लाइव के लिए फिरोजपुर से पंकज कुमार की रिपोर्ट।